नॉर्मल एमआरआई कैसे दिखता है हम ये देखने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं आप ये जो छोटी सी बैग दिख रही है आप, आपको इसको एक्सिलरी पाउच कहते हैं। ये काफी थिन होती है और प्रॉपरली डिस्टेंडेड होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे दिखती है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों दिख रहा है आपको। और तो अभी हम इस स्पेस की बात करते हैं। ये जो कर्सर है ये कोराक्यूमेरल लिगमेंट है, ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, बाइसेप्स टेंडन, और ये है सुप्राग्लेनोह्यूमेरल लिगमेंट। आप देख सकते हो ये जो कोराक्यूमेरल लिगमेंट है फ्रोजन शोल्डर के केसेस में इसकी साइज बढ़ जाती है, इसकी विड्थ थिक हो जाती है, 3 से 4 mm के ऊपर हो जाता है, तो फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, मोशन की रेंज में प्रॉब्लम आ जाती है, पेन आ जाता है। अभी हम देखेंगे कि एक 70 साल के आदमी में ये शोल्डर MRI कैसा दिखता है। आप देख सकते हो ये एक्सिलरी पाउच, ये रहा एक्सिलरी पाउच, इतना अलग लग रहा है। ये अभी थिक हो चुका है और ये हाइपर इंटेंस भी है और क्लियरली ये अबनॉर्मल है। अभी हम आगे बढ़ेंगे सजाइटल T1 की तरफ और ये इसके अंदर आप देख सकते हो सजाइटल T1 में ये एक्सिलरी पाउच, यहाँ पे भी हाइपर इंटेंस है और ये भी अबनॉर्मल है। और रोटेटर इंटरवल में भी देख सकते हो आप कोराकोह्यूमेरल लिगमेंट जिसको थिन होना चाहिए अभी वो भी थिक हो गया है और एक अगली मास की तरह दिख रहा है।